का जो वीडियो होने वाला है गाइस, कि आप कैसे अपने वीडियोस में कीवर्ड्स और कह सकते हैं आप टैग कैसे आप अनेबल कर सकते हैं, बिना किसी कुछ चीज़ के आप कुछ भी टैग लिख सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं जिस वीडियो पे रिलेट करता हो। सबसे पहले टैग होता क्या है? टैग कभी कभी आपका यूट्यूब चैनल पॉपुलर भी कर देता है, ये मैंने भी देखा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टैग्स लिखते हैं, उनके बाद उनका जो कि ये है इसका ग्राफ, ठीक है, इनका वीडियो नीचे नीचे चल रहा है, फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर ग्राफ बढ़ता जाता है। मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबरों का ऐसे करके वीडियो में व्यूज़ और सब्सक्राइब आए हैं। तो आज का जो कि वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका दोस्तों, मेरा नाम है रुद्र और आप देख रहे हो रुद्र टैग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेट, स्टार्ट करने से पहले आज का हम लाइक एम रखते हैं 50 लाइक्स। आई नो आप लोग कर देते हो गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे मैं वीडियोस डालता रहूँगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने वीडियो डाला। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपने कीवर्ड्स दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे लिख सकते हैं, और मैं पूरा आपको दिखाता हूँ। सो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन में, मोबाइल के स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जाना है YT स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ नॉर्मली। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है कुछ एज लुक है YT स्टूडियो का। सो आप देख सकते हैं YT स्टूडियो का लुक। सो इसको अंदर हम लोग विजिट करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा YT स्टूडियो में वीडियो है। ये अभी के लिए ये मेरे लिए पास नया है, लेकिन जब ये आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके बाद ये पुराना वीडियो हो जाएगा। सो अब इसको खोलते हैं पेंसिल वाले आइकन में। सो यहाँ पर बेसिक इन्फो और एडवांस सेटिंग्स है। एडवांस सेटिंग्स में उतना कुछ खास नहीं है, वही है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सब कुछ यहाँ पर देख सकता आप, मैंने एक लिख के रखा है टैग्स। मैं यहाँ पर कुछ एक टैग लिख देता हूँ, सपोज कीजिए ये मैंने हटा दिया। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2020 लिख दो, इसके बाद कोमा देना है, फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रसाद लिख देता हूँ। मेरा पूरा नाम है रुद्र प्रसाद। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए। फिर इसके बाद हमें जाना है गाइस, बस हो गया, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ऐसे करके आपको सेव करना है, और जो भी आपके मन में टैग्स आएंगे और उसको लिखते जाइए, जैसे कि धोते जाओ जोकिंग। सो इसके बाद हमें सेव कर लेना है, यार सेव हो जा हुआ, सो कुछ नहीं होगा। देखा आपने गाइस कि कैसा है ये YT स्टूडियो के अंदर आप जाके टैग्स लिख सकते हैं। सो हम अब आते हैं बाहर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके यूट्यूब आप यूट्यूबर नहीं है, लेकिन आपके फ्रेंड यूट्यूबर हो सकते हैं, उनको आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और एक साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट का रेशियो बहुत कम जा रहा है मेरा, उतना कोई कमेंट नहीं करता मेरे वीडियो। सो कमेंट कर दीजिएगा। सो आज का तो ये वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।